हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे पंचदशी का चौदवा प्रकरण ब्रह्मानंदे विद्यानंद प्रथम श्लोक योगेनात्मविवेकेन द्वैतमिथ्यात्वचिन्तया ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते योगेन आत्मविवेकेन ब्रह्मानंदे योगानंदः उसी प्रकार से ब्रह्मानंदे आत्मानंदः ब्रह्मानंदे अद्वैतानंदः तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये तीन प्रकरण में ब्रह्मानंदे योगानंदः आत्मानंदः और अद्वैतानंदः और इनके द्वारा क्या कहते द्वैता मिथ्यात्व चिंतया ये जो द्वैत है वो द्वैत मिथ्या है आप समझो तो ये जगत जो है द्वैत है अनेकता है विविधता है लेकिन सही में वो नहीं है मिथ्या है आप देखो तो जगत की मिथ्यात्व की सिद्धि कर दी अब देखो तो बोले अभी क्या बाकी रह गया ब्रह्मानंदं पश्यतः अथ अब देखो तो बोले कि ये ब्रह्मानंद की तो प्राप्ति कर दी पश्यतः मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं इस प्रकार से ब्रह्मानंद की तो प्राप्ति करवा दी हमें अभी क्या बाकी रह गया
अथ अथ माने अभी एक नया आरंभ है। जब भी शास्त्र में अथ शब्द का प्रयोग होता है उनका अर्थ होता है कि कुछ नया आरंभ हो रहा है। अथ तो नया क्या आरंभ हो रहा है? विद्यानंद निरूप्यते। देखो बहुत सुंदर प्रकरण है, स्वयं समझाएंगे कि ये विद्यानंद क्यों कह रहे हैं कि अब तक जितने आनंद की हमने बात की है उससे बिल्कुल विलक्षण जो है वो विद्यानंद का हम निरूपण करेंगे। तो बोले विद्यानंद का निरूपण क्यों करना है? अब देखो तो जगत में जो हम अनुभव करते हैं अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति हम करते हैं, तो बोले कि जितने भी प्रकार के आनंद की आप अनुभूति ये जगत में करते हैं वो सब अनुभूति जो है, अब देखो मैं हमेशा कहती हूं कि ये जो जगत है जिसे द्वैत कहते हैं, जो मिथ्या जगत है जिसमें हम आनंद की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं, अब देखो तो जो भी आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं वो आनंद की अनुभूति में एक मात्रा होती है, आप सुनो, अधिकता न्यूनता होती है। तो जगत के अंतर्गत जो आत्मा है, आत्मा की जो आनंद की अनुभूति हमने देखी, लेकिन विद्यानंद जो है सबसे सूक्ष्म है। आप देखो विषय का आनंद होता है, अभ्यास का आनंद होता है, संबंध का आनंद होता है, धन में धन प्राप्ति से आनंद होता है, तो अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति हम करते हैं। लेकिन जगत के अंतर्गत जो सबसे श्रेष्ठ या सबसे सूक्ष्म जो आनंद है वो आनंद क्या है? आप देखो विद्यानंद है, जो एक अद्वितीय जो विद्यानंद है। कवि देखे आप, कलाकार देखे, साहित्यकार है, तो उनमें जो आनंद वो आनंद किसका आनंद है? विद्या का आनंद है। आप समझो फोटोग्राफर जब फोटो लेता है तो उनको जो आनंद आ रहा है वो क्या है? आप देखो एक कैमरा लेके घूमता है, वो जो खाना मिल गया वो खा लेता है, जैसे रहना मिल गया रह लेता है, वो फोटोग्राफी में उनको आनंद आता है। तो महर्षि हमेशा कहते थे विद्या का जो आनंद है, आप देखो ये विद्या का आनंद मैं आपको बताऊं, घर में छोटे बालक होते हैं ना, अब देखो वो बालक क्या करता है, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये क्या है, अब देखो तो हमेशा वो प्रश्न पूछता रहता है और उनको उनको वो नई नई चीज जानने का आनंद है। आप देखो अब जब आप उनको विद्यालय में भेजते हैं तो हरेक दिन प्रत्येक दिन एक नई बात उनको जानने को मिलती है, गणित है या पर्यावरण है कुछ भी है। आप देखो तो जब वो घर पर आते हैं, बालक जो घर पर आता है तो पहला काम वो क्या करेगा? मम्मी मम्मी आज क्या? अब देखो माँ आज तो हमने ये पढ़ा। अब देखो तो वो आनंद क्या है बालक के लिए? आप देखो वो विद्यानंद है। आप समझो जब भी कुछ नया आप जानते हैं तो विद्यानंद है। आप देखो वो उतना उत्साही होता है, इतना आनंदित है वो कि वो अपने जो विद्यानंद है वो नित्यानंद सबके साथ वो बांटना चाहता है। कुछ भी नया वो सीखेगा वो सबको बताएगा, एबीसीडी आ गई तो वो बोलता ही रहेगा, आप जितनी बार उनको बोलेंगे वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि आनंद है उसको। गणित भी जब सिखाते हैं और गणित में भी जब उनको जोड़ने का सीख जाएगा, अब देख तो उनको एक आनंद होता है कि हाँ मैं ये जानता हूं। अब तो मनुष्य के लिए ये
विद्यानंद सबसे सूक्ष्म है, आप समझना ठीक से है, जिसके लिए आपको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए विद्या के लिए क्या कहते हैं, न चोर हार्यम न राज्य। आप देखो चोर भी उनके किसी प्रकार से उनके आपके पास से हरण नहीं कर सकता, राजा भी किसी प्रकार से नहीं ले सकता। विद्यानंद जो है कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, विद्या का आनंद ऐसा है। ये विद्या एक ऐसे धन है, विद्या धनम ही धनम। आप देखो विद्या रूपी धन जो कोई ना कोई आपके पास वो ले जाएगा, लेकिन ये धन ऐसा है कि जिसके न चोर वो धन ले सकता है, न राजा ले सकता है। आप देखो न भातृभाज्यम, न आपके संबंधी आपके साथ वो विभाजन करेंगे। अब समझो तो ये विद्यानंद जो है जो हमें आनंद देता है, आप देखो, और इसलिए कहते हैं विद्यानंद निरूप्यते। हमें ज्ञान में ही आनंद होना चाहिए। बाह्य जगत में जो हम स्थूल आनंद में पड़े रहते हैं ना, तो जगत की दृष्टि से आप देखो, वैज्ञानिक लोग को देखो आप, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, उनको आनंद कहां आ रहा है? आनंद अविद्या में आनंद आ रहा है। जो संशोधन करने वाले हैं उनको आनंद कहां आ रहा है? उनके कपड़े कैसे होंगे, उनके बाल कैसे होंगे, उनसे कुछ संबंध नहीं है। अब उनके चश्मा कैसा है, वो कैसे दिख रहे हैं, तो अपने व्यक्तित्व में कुछ विशेष प्रकार की विशेषता वो कुछ प्रकार से वो प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको अपने आनंद वो ज्ञान के आनंद में ही वो पड़े हैं। अब समझो विद्यानंद एक बार आपको प्राप्त हो गया, जगत की दृष्टि से भी देखिए आप, तो एक बार वो आनंद आ जाएगा। पुस्तक पढ़ने में अगर आपको आनंद आ गया, बाहर कुछ भी है कोई संबंध नहीं है। मैं जानती हूं ऐसे लोगों को जिसको पढ़ने में इतना आनंद आता है, कुछ नया जानना है। ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा उनका आनंद जो है ये बाह्य जगत में उनको कोई संबंध नहीं है। अनेक प्रकार के पुस्तक पढ़ते हैं आप समझो, तो ये विद्यानंद का निरूपण अभी करेंगे। और वो विद्यानंद भी दो प्रकार से, एक पराविद्या है दूसरी अपराविद्या है। आप देखो अपराविद्या में अगर हमें इतना ज्ञान मिलता है, हमें उतना आनंद आता है, तो फिर पराविद्या का आनंद तो कैसे हो सकता है? और इसीलिए ये विद्यानंद का निरूपण करने के लिए एक विशेष प्रकार से ये नए प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। भले हमने योगानंद भी देख लिया, आत्मानंद भी देख लिया, द्वैतानंद भी देख लिया, लेकिन ये विद्या में भी एक आनंद है। और इसलिए कहते हैं कि विद्यानंद का स्वरूप क्या है, विद्यानंद स्वरूपमाह। अगले श्लोक में कहते विषयानंदवद विद्यानंद विषयानंदवद विद्यानंद धीवृत्ति रूपक धीवृत्ति रूपक दुखाभावादि रूपेण दुखाभावादि रूपेण प्रोक्त एष चतुर्विदः प्रोक्त एष चतुर्विदः। देखो ये ब्रह्मानंद ग्रंथ जो है ना, वो पूर्णतः आपके विचार में है, उन बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं, एक विशेष प्रकार की दृष्टि है आप समझो। और वो जो दृष्टि है वहां पर ही आनंद है। तो विद्यानंद विषयानंदवत विद्यानंद धीवृत्ति रूपक, जिस प्रकार से अब विद्यानंद जो है
अनुकूल विषय की प्राप्ति जब आपको होती है तो अनुकूल विषय की प्राप्ति से आपके मन में आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो आनंद कहां पर है? वृत्ति है, आप समझो। बाह्य विषय है, आपको आम पसंद है और आम आप जब ग्रहण करते हैं तो आम ग्रहण करने से आपको जो आनंद मिलता है वो आनंद तो वृत्ति के रूप में है। अब देखो तो जिस प्रकार से कहते हैं कि विषयानंद वृत्ति के रूप में है, धी वृत्ति रूप बुद्धि की एक वृत्ति के रूप में वो विषयानंद होता है, उसी प्रकार से विद्यानंद भी आपकी बुद्धि की एक वृत्ति ही है। अब देखो तो ये जो विद्यानंद जो है चतुर्विधः एषः प्रोक्तः, ये जो विद्यानंद है शास्त्र में चार प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। आप समझो दुख अभावादि रूपेण प्रोक्तः चतुर्विधः। अब दुख के अभाव आदि, आदि माने आरंभ करके दुख के अभाव के रूप में इस प्रकार से चार प्रकार के आनंद की यहां पर चर्चा की गई है। तो बोले कि विद्यानंद चार प्रकार के होते हैं क्या? हाँ, तक बोले हाँ। तो कौन से चार है? तो अगले तीसरे श्लोक में कहते हैं दुखाभावश्च कामाप्तिहि, दुखाभावश्च कामाप्तिहि कृतकृत्योऽहमित्यसौ, कृतकृत्योऽहमित्यसौ प्राप्तप्राप्योऽहमित्येव, प्राप्तप्राप्योऽहमित्येव चातुर्विध्यमुदाहृतम्, चातुर्विध्यमुदाहृतम्। बोले चार प्रकार से उनके दृष्टांत देते हैं। दुख अभावश्च, जब दुख का अभाव होता है तब भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। कामाप्ति ही इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। कृतकृत्यश्च, कृतकृत्य अहम् इति असौ, जो ज्ञानी है जिसने अपने पूर्ण आनंद स्वरूप को जान लिया है उनके लिए अभी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कोई अन्य विशेष कर्म के द्वारा उनको आनंद की प्राप्ति नहीं करनी है, कृतकृत्य है। जो व्यक्ति कृतकृत्य हो गया है उनको भी आनंद की अनुभूति होती है। प्राप्त प्राप्य मिथ्येव, उतना ही नहीं प्राप्य, जो प्राप्त करने योग्य है मुझे वो प्राप्त हो गया, ये भी आनंद की अनुभूति हमें करवाते हैं। दुख का अभाव, इच्छित विषय की प्राप्ति, कृतकृत्यता और प्राप्य विषय की प्राप्ति, ये चार प्रकार के विद्यानंद है। तो ये चार प्रकार के जो विद्यानंद है, निवर्तनीयम दुखम विभजते, तो उसमें जो प्रथम है उसकी बात करते हैं अभी। अब दुख अभाव कहा ना, तो ये दुख का जो अभाव है तो दुख की जो निवृत्ति है, दुख के निवर्तनीयम दुखम, जो निवृत्ति करने योग्य जो दुख है उनकी बात अभी करते हैं आगे, क्योंकि दुख का अभाव क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखो ये सब श्लोक, ये जो सरल श्लोक है ना बहुत सरल है, उसमें कोई विशेष प्रकार की विवेचन की आवश्यकता नहीं आती। तो बोले कि ये दुख का अभाव आप जिसको कहते हैं, जिसको प्रथम विद्यानंद कहा है, उसमें दुख के अभाव माने कि दुख की निवृत्ति जो है, तो दुख की निवृत्ति करने योग्य जो दुख है उनके प्रकार अभी दर्शाते हैं। विद्यानंद चार प्रकार के हैं, अब दुख का अभाव जब हम कहते हैं तो दुख कितने प्रकार के? तो बोले दो प्रकार के दुख होते हैं, आगे के श्लोक में कहते हैं ऐहिकं चामुष्मिकं चेत, ऐहिकं चामुष्मिकं चेत इत्येवं दुःखं द्विधेरितं, इत्येवं दुःखं द्विधेरितं।
निवृत्तिमयि कस्याः निवृत्तमयि कस्याः बृहदारण्यकं वचः बृहदारण्यकं वचः ऐहिकं चामुष्मिकं च इति एवं दुःखं द्विधा इरितम् इरितम् माने कि शास्त्र में ये दो प्रकार के दुख का वर्णन हमें मिलता है। ऐहिक माने इस जगत में आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक। इस लोक में हम ये तीन प्रकार के दुख का अनुभव करते हैं। आमुष्मिक माने कि परलोक में, परलोक में भी दुख की अनुभूति हम करते हैं। आप समझो ये ठीक से। अधोलोक में जो हम अनुभूति करते हैं, दुख की अनुभूति करते हैं, पशु आदि जो अधो योनि है उसमें भी हम दुख की अनुभूति करते हैं, तो परलोक में भी दुख की अनुभूति हम करते हैं। माने कि ऐहिक इस लोक में भी दुख है और परलोक में भी दुख है, उस प्रकार से दो प्रकार के दुख की बात होती है। तो बोले ये जो ऐहिक सुख, ऐहिक माने कि इस लोक में जो दुख है वो दुख की निवृत्ति, निवृत्ति ऐहिकस्य आह बृहदारण्यकं वचः। बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र में ये ऐहिक सुख की निवृत्ति की चर्चा की है। देखो ये हम आगे प्रथम प्रकरण में देख के गए, यही वाक्य जो एक ही वाक्य का संपूर्ण निरूपण किया है, बहुत सुंदर है। तो वो मंत्र क्या है, वो मंत्र पांचवें श्लोक पे वो मंत्र दर्शाते हैं, मंत्र पढ़ेंगे। आत्मानं चेद्विजानीयात् आत्मानं चेद्विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं समनुज्वरेत् शरीरं स्वमनुज्वरेत्। आत्मानं चेद्विजानीयात्, अगर एक बार आपने अपने आत्मा को जान लिया, आत्मानं चेद्विजानीयात्, अब एक बार आत्मा को जान लिया फिर क्या होता है, अयम अस्मीति पुरुषः। अयम अस्मीति माने कि ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप पुरुष मैं हूं, अयम पुरुषः। अब सातवें प्रकरण में तृप्तिदीप प्रकरण में हम देख के गए, पहले प्रकरण नहीं सातवें प्रकरण में तृप्तिदीप प्रकरण में यही मंत्र का विश्लेषण किया था। तो बृहदारण्यकोपनिषद में क्या कहते हैं, अयम अस्मीति पुरुषः, ये पुरुष, पुरुष माने की पूर्णत्वात् पुरुषः। अब देख के गए, पुरुष माने पूर्णत्वात् पुरुषः, जो स्वयं पूर्ण है, किसी भी प्रकार की अल्पता जहां नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है। पूरी शयनात् पुरुषः, जो सर्व प्राणियों के हृदय में अभिव्यक्त हो रहा है वो पुरुष है। तो ये पुरुष जो उतना ही नहीं, आप समझ, पूरयति सर्वानिति पुरुषः, सर्व को जो पूर्ण बनाता है वो पुरुष है। सर्व को हम देख के, सर्व को अस्थि भांति प्रिय जो है, सब में अस्तित्व जो है, सब में भाना जो है और सब में जो प्रियत्व है वो किसके कारण है, वो पुरुष के कारण है। सबको पूर्ण करने वाला जो है वो पुरुष है, आप समझ, और वो पुरुष कौन है, अह अयम अस्मीति मैं हूं। अब देखो, अयम पुरुष है अहम अस्मीति, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। ये आत्मा को इस प्रकार से जितने जिसने जान लिया, आत्मानं चेद्विजानीयात्, जिसने अपने पूर्णत्व को जान लिया है, किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं समनुज्वरेत्, किमिच्छन्, अब देखो किसकी इच्छा के लिए,
किसकी इच्छा के लिए, किस विषय की इच्छा करते हुए, अब देखो कस्य कामाय, किस भोक्ता के लिए ये अपने शरीर को असमंद संतप्त करेगा। देखो शरीरम संज्वरेत, किस विषय के लिए और किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेगा, माने कि उनको अपने शरीर को संतप्त करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो बोले कि ये जीव जो है, देखो ये विद्यानंद के लिए ये पश्चात भूमि का तैयार कर रहे हैं, एक बार ये पश्चात भूमि का बन जाएगी ना फिर सब आपको समझ में आएगा। चार प्रकार के विद्यानंद के दुख का अभाव है, इच्छित विषय की प्राप्ति है, कृत कृत्यता है, और जो प्राप्त करने योग्य है उनकी प्राप्ति से जो आनंद प्राप्त होता है वो विद्यानंद, चार प्रकार के। उसमें दुख दो प्रकार के हैं, एक ऐहिक है एक आमूष्मिक है, और ऐहिक दुख है उनकी निवृत्ति के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में यह चर्चा हुई कि जिसने अपने पूर्णत्व को जान लिया है वो उनको किसी भी भोक्ता के लिए, किसी भी विषय के लिए अपने शरीर को संतप्त करने की आवश्यकता नहीं, माने कि प्रारब्ध से जो हो रहा है उनके लिए स्वीकार्य, कोई विरोध नहीं है, कोई विशेष प्रकार के कर्म की अपेक्षा नहीं, कोई विशेष प्रकार के भोग की अपेक्षा नहीं है। अब मन भोक्ता माने कि मन में भी कोई विशेष प्रकार की मन की अवस्था की भी अपेक्षा नहीं है। तो बोले ये अयमस्मिति पुरुष माने क्या है, और ये शोक जो है, दुख जिसको ऐहिक शोक दुख जिसको कहते हैं, शोक हम जिसको कहते हैं, वो किसके कारण होता है। तो बोले कि अपनी अल्पता के कारण हम दुखी हो रहे हैं, अपनी पूर्णता का ज्ञान हो गया तो दुख की कोई संभावना नहीं है, तो अल्पता किसके कारण है आप समझो। आत्मा की दृष्टि से जो हम शोक ग्रस्त होते हैं तो वो शोक किसके कारण होता है, तो आगे के श्लोक में कहते हैं, छठे जीवात्मा परमात्मा चेत, जीवात्मा परमात्मा चेत अयम आत्मा द्विविध ईरितः, आत्मा द्विविध ईरितः चित्तादात्मतत्त्रिभिः देह जीव संभोक्तृता, देहर जीव संभोक्तृताम व्रजेत, देहर जीव संभोक्तृताम व्रजेत। अब शास्त्र में दो प्रकार के आत्मा की चर्चा है, जीवात्मा और परमात्मा। शास्त्र में दो प्रकार के जो आत्मा की बात की है तो जीवात्मा किसको कहेंगे, चित्तादात्म्य तत्र त्रिभिः देहिः जीवः संभोक्तृतां व्रजेत, त्रिभिः देहिः तीन प्रकार के देह के कारण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो तीन दो देहों के कारण क्या होता है, तादात्म्यात् देह, तीन देह, तीन प्रकार के देह में अहम बुद्धि करने के कारण जीव हसन भोक्तृताम व्रजेत। ये आत्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है, ये देहादि में अहम बुद्धि करके भोक्ता बन जाता है। आप देखो भोक्ता माने क्या, समझो भोक्तृत्व प्राप्त करता है। आप देखो सर्वप्रथम ये जीव जो है वो जीव सर्वप्रथम भोक्ता बन जाता है, भोक्तृत्व प्राप्त होता है। आप देखो भर्ता भोक्ता महेश्वर है, भगवान गीता में कहते हैं। तो देहादि में अहम बुद्धि करके रखी है और वहां पर वो भोक्तृत्व उनको प्राप्त होता है, तो जीव किसको कहेंगे, जो भोक्ता है
और वो भोक्ता जो है उसे आनंद की प्राप्ति करनी है और आनंदित होने के लिए वो कर्म करता है, कर्ता बनता है। आप देखो इसलिए शंकराचार्य जी कहते कर्तृत्व भोक्तृत्व, जीव माने जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व उसे जीव कहते हैं। लेकिन सही में अगर देखेंगे तो जीव हसन भोक्तृतां व्रजेत, जीव जो है वो भोक्ता है और अपने भोक्तृत्व को संतुष्ट करने के लिए अब क्या करता है, वो कर्म करता है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है। आप समझो तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जहां है उसे जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। तो माने ये परमात्मा क्या है, परम माने क्या है, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिचिन्न जो आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। तो बोले ये जीवात्मा जो है तीन देह में अहम बुद्धि करके बैठा है और भोक्ता बन के वो बैठ गया है, उसे जीवात्मा कहते हैं। अब परमात्मा कौन है तो आगे के श्लोक में कहते हैं, परात्मा सच्चिदानंद है, परात्मा सच्चिदानंद है, तादात्म्यम नाम रूपयो, तादात्म्यम नाम रूपयो, गत्वा भोग्यत्वमापन्न है, गत्वा भोगत्वमापन्न है, तद्विवेके तुनो भयम्, तद्विवेके नो, तद्विवेके तुनो भयम्। ये परात्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, जीवात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है, आप समझते हैं। लेकिन ये तीन देह में अहम बुद्धि करके वो भोक्ता बन गया। उसी प्रकार से आप देखो तो जो जीवात्मा है वो भोक्ता बन गया, उसी प्रकार से ये जो परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो जो सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो क्या होता है, तादात्म्यम नाम रूपयो हो गत्वा, ये जो नाम रूप जगत है वो जगत का अधिष्ठान रूप, तादात्म्य माने की वो नाम रूप बन गया। अंत तो परमात्मा जो है जो सच्चिदानंद स्वरूप है ये संपूर्ण जगत नाम रूपात्मक जगत बन गया, और नाम रूपात्मक जगत बनने से भोग्यत्वमापन्न है, वो भोग्यत्व प्राप्त करते हैं। जीव भोक्ता है और जगत स्वरूप जगत के रूप में नाम नाम रूपात्मक जगत के रूप में जो परमात्मा है वो भोग्य बन गए। नाम रूपात्मक जगत में परमात्मा भोग्य बन के बैठ गए, ये जीवात्मा भोक्ता बन के बैठ गए। तद विवेके, अब देखो विवेक माने कि जब विवेक हम करते हैं, ताभ्याम शरीरत्रय जगतभ्याम विवेके भेद ज्ञाने जाते सती, दो प्रकार के विवेक करना पड़ेगा हमें। अब देखो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से ऐक्य करके तादात्म्य करके जो बैठा है तो वहां क्या करना पड़ेगा, शरीर त्रय विवेक करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जगतभ्याम, आप देखो ये जगत जो है जगत के मिथ्यात्व कर देखना पड़ेगा, जगत के सत्य और मिथ्या का विवेक करना पड़ेगा। तो जब हम यहां सत्य मिथ्या का विवेक करेंगे, यहां शरीर त्रय का विवेक हम करेंगे, न उभयम् भोक्ता भी नहीं है भोग्य भी नहीं है। आप समझो माने कि आत्मा की दृष्टि से भोक्ता को जीव कहते हैं, भोग्य को यह जगत कहते हैं हम। तो जिसको हम भोक्तृत्व कहते हैं, हम जिसको भोग्यत्व जिसको हम कहते हैं, जब हम विवेक करते हैं, देखो इसलिए मैं कहती हूं संपूर्ण वेदांत जो है मात्र विवेक ही है, तत्व विवेक विचार जो वही वेदांत है, वो आपकी बुद्धि में है, बाह्य कुछ नहीं, बाह्य आप कितना भी बदलते रहो, बाह्य बदलने से परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। आप समझो स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि आपका विवेक जागृत रहना चाहिए, जितना आपका विवेक जागृत रहेगा ना
उतना ही आपकी जो तत्व दृष्टि है वो तत्व दृष्टि आपकी स्पष्ट रहेगी, क्लैरिटी स्वामी जी कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये विवेक जब करते हैं दो प्रकार विवेके माने कि दो प्रकार का विवेक करना है, शरीर त्रय का विवेक करना है, ये जगत जो है नाम रूपात्मक जगत है उसे सत्य मिथ्या का जब हम विवेक करते हैं न उभयम, आप देखो न जीवात्मा है न परमात्मा, जो रहेगा वो आत्मा मात्र रहेगा आप देखो। और इसीलिए जब तक ये जीवात्मा परमात्मा है तब तक ये दुख भी रहेगा। जीवात्मा परमात्मा का द्वैत रहेगा तब तक ये दुख भी रहेगा, आप समझे। और जब ये द्वैत विवेक होगा, सत्य मिथ्या का विवेक होगा, जब ये शरीर त्रय का विवेक होगा तो दुख रहेगा नहीं, आप समझे। और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, तो बोले कि ये जीव जो दुखी हो रहा है, ये जीव किस कारण दुखी होता है, वो भोक्ता बन गया, भोक्ता बन के भोग्य के लिए वो संतप्त होता है। शरीरम किम समानुज्वरेत कहा ना, शरीरम किम समानुज्वरेत, ये शरीर को क्यों संतप्त वो करता है। तो बोले कि ये भोक्ता है और सुखी होने के लिए वो ये भोग्य पदार्थ के लिए अपने शरीर, शरीर माने मात्र स्थूल शरीर नहीं, आप देखो अपने स्थूल शरीर को भी वो श्रम करता है, अपने मानसिक रूप से भी वो संतप्त होता है। तो वो आगे के श्लोक में कहते हैं भोग्यम इच्छन भोक्तुरर्थे, भोग्यम इच्छन भोक्तुरर्थे शरीरम शरीरम अनुसंजरेत, शरीरम अनुसंजरेत ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु, जरास्त्रिषु शरीरेषु स्थितानत्वामात्मनोज्वराः, स्थितानत्वात्मनोज्वराः भोग्यम इच्छन भोक्तुः अर्थे। भोक्ता के लिए भोग्य की इच्छा करके, आप देखो इच्छा करके शरीरम अनुसंज्वरेत, अपने शरीर को वो संतप्त करता है, आप देखो। और एक शरीर को नहीं, त्रिषु शरीरेषु ज्वराः स्थिताः। तो ये जो संतप्त है ज्वरा, जो संताप है, वो संताप जो है तीन प्रकार के संताप, तीन प्रकार के शरीर है और इसलिए तीन प्रकार के संताप उनको प्राप्त होता है। भोक्ता के लिए भोग्य प्राप्ति के लिए वो तीन प्रकार के शरीर में संताप करता है। तो बोले कि तीन प्रकार के शरीर में जो संताप होता है, तो बोले स्थूल देह में संताप जो है किसको कहता है, देखो ये बहुत सुंदर है। स्थूल देह में भी हमें संताप होता है, सूक्ष्म देह में भी संताप होता है, तो बोले स्थूल देह में जो संताप है वो क्या है, व्याध नवमश। देखो मैंने आगे कहा यहां कुछ विशेष प्रकार का विवेचन आवश्यक नहीं है, इसलिए एक के बाद एक श्लोक होता रहेगा। व्याधयो धातु वैषम्ये स्थूल देहे स्थिता ज्वराः, स्थूल देहे स्थिता ज्वराः काम क्रोधादयः सूक्ष्मे द्वयोर्बीजं तु कारणे। अब देखो स्थूल देह में जो हमें संताप होता है वो किस प्रकार का संताप होता है, व्याधयः धातु वैषम्ये आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं। अब तो तीन धातु है, वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, तो ये तीन में जो है धातु वैषम्ये, ये तीन धातु में जब विषमता आती है तो ये शरीर में व्याधय है, अनेक प्रकार की व्याधि होती है। देखो इसलिए आयुर्वेद जिस प्रकार से रोग की चिकित्सा करते हैं ना, और ये एलोपैथी में जो चिकित्सा है वो अलग प्रकार की चिकित्सा है।
आयुर्वेद जो है वो हमारे धातु में जो विषमता होती है वो विषमता की निवृत्ति करते हैं। अब देखो सीधा दृष्टांत देते हैं, शरीर में कहीं पर भी आपको पीड़ा होती है, कहीं पर भी, मस्तिष्क में आपको पीड़ा हो रही है, शीरो दर्द हो रहा है, या आपके पैर में आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा होती है, तो आयुर्वेद कहता है कि जब वात जो है वायु की प्रधानता हो जाती है, अधिकता होती है, तो ये पीड़ा का अनुभव होता है। ये आयुर्वेद है। हमने तो वात का हम शमन करेंगे तो वो पीड़ा की निवृत्ति हो जाए, पेन किलर नहीं लेना है हमें। अब देखो पीड़ा को शमन करने वाली दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, जो उनका कारण है वो कारण की निवृत्ति कर दो। अब ये छोटे बालक शिशु होते हैं तो उनको पेट में दर्द होता है, रोते हैं वो, अब क्यों, वायु के कारण, तो वायु के कारण होता है तो हम क्या करते हैं, वायु के शमन के लिए दो है। अब मुझे आयुर्वेद का इतना अधिक कोई ज्ञान नहीं, जितना भी है मैं आपके साथ एक दृष्टांत के लिए कह रही हूं। तो हमारा जो रसोई है ना वही हमारे दवा है, आप समझो, लाल मिर्च है, हल्दी है, अजवाइन है, मेथी है, मेथी दाना है, अब जीरा है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, अब जीरू है, वो जीरा है, और सरसों के दाने हैं, यही हमारी दवाई है, आप समझो, ये औषधिभ्यः अन्नम। आप देखो तो अजवाइन जिसको हम कहते हैं या मेथी दाना जिसको हम कहते हैं, ये दोनों जो है वो वात की निवृत्ति करते हैं। देखो इसलिए जो जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं वो अन्न में जिस प्रकार के धान में वात की संभावना होती है वहां पर हम ये या तो अजवाइन का प्रयोग करते हैं या तो फिर मेथी का प्रयोग करते हैं। तो बालक शिशु जो है वो रो रहा है तो हम क्या करेंगे, अजवाइन के दाने लेते हैं, उसको थोड़ा सेक देते हैं, फिर उसको पानी के साथ उसके गुदगुदे बना के फिर उनके नाभि में हम रख देते हैं, हम नाभि में रखते हैं, हम, और फिर उनको शांति लगती है। अब तो व्याधयः धातु वैषम्ये, जब भी धातु की विषमता होती है तो अनेक प्रकार की व्याधि हमारे शरीर में होती है, तो वो जितने भी धातु की विषमता है वो विषमता के कारण ही व्याधि है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, आप समझो, और वो विषमता के कारण क्या होता है, स्थूल देह स्थिता ज्वरा, स्थूल देह में अनेक प्रकार के संताप होता है, हमें कफ भी होता है, पित्त भी होता है, वात भी होता है, पित्त की अधिकता होती है तो अनेक प्रकार की व्याधि है, वात की अधिकता होती है या कफ की अधिकता होती है, धातु की अधिकता रहेगी उन प्रकार के रोग हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। और सूक्ष्म देह में कौन से प्रकार का संताप है, काम क्रोध आदय है सूक्ष्म देह, आप देखो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये छह प्रकार की संताप है हमारे शरीर। देखो इसीलिए क्रोध एक प्रकार से विकार है, कई लोग ऐसा मानते हैं नहीं ये क्रोध मेरा स्वभाव, ये आपका स्वभाव नहीं है, मन जो है आपका जो सूक्ष्म देह है तो सूक्ष्म देह की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो
काम क्रोधादि विकार है उनका स्वभाव नहीं है, क्योंकि सात्विक महापंच महाभूत से ये अंतकरण की उत्पत्ति होती है, तो वो तो सात्विक है, उसमें काम क्रोधादि जो राजसिक की संभावना नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं कामेश क्रोध रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। तो जब तक ये रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता रहेगी तब तक ये सूक्ष्म शरीर में संताप रहेगा, आप समझ रहे हो, धातु की वैषम्य से स्थूल देह में संताप रहेगा, ज्वरा रहेगा, उसी प्रकार से काम क्रोधादय आदि मानी क्या है, अब प्राण की दृष्टि से भी हमें कुछ हो सकता है। तो हमारे मन में जो संताप है, अंतकरण में जो संताप, सूक्ष्म देह में जो संताप है, वो किसके कारण है, काम क्रोध आदि के कारण है, क्योंकि ये विकार है, ये विकार है जो हमें संतप्त कर रहे हैं। देखो यही है अर्जुन और दुर्योधन को अलग कौन करता है, दुर्योधन वो है जिसने काम क्रोध आदि को अपने को समर्पित कर दिया है, वो बोलता जो कहता है नहीं नहीं ये क्रोध मुझसे नहीं जाए, तो ये दुर्योधन की भाषा है, आप समझो दुर्योधन माने अधर्म की भाषा है। और जो ये काम क्रोधादि से छूटने की इच्छा करते हैं उनके उपाय जो कर रहा है वो अर्जुन है। अब लेकिन ये संताप है हमारे मन में, काम क्रोधादि जो है वो अनेक प्रकार के संताप हमारे मन में रहता है। द्वयोः बीजं कारणं, कारण शरीर, ये दोनों का जो बीज है उन दोनों का बीज जो है वो कहां पर है, कारण शरीरम, अब कारण शरीर से ही ये दोनों है, इसीलिए उनको कारण शरीर कहते हैं, जो स्थूल देह और सूक्ष्म देह का कारण है इसीलिए उनको हम कारण शरीर कहते हैं, जो क्या है अविद्या, वहां अविद्या है, वहां पर अज्ञान है, वो बीज है जिसके कारण स्थूल देह में भी संताप है, जिसके कारण सूक्ष्म देह में भी हम संतप्त रहते हैं, आप समझ। तो दोनों जो ये संताप है, स्थूल देह में जो धातु वैश्य में से हमें ज्वरा है, संताप होता है, काम क्रोधादि विकार के कारण हमारे सूक्ष्म देह में जो संताप होता है, और दोनों का जो कारण जो है, दोनों का बीज जो संस्कार जो है वो कारण शरीर में है। तो हमें करना क्या है, अब विवेके, विवेक करना है, जब तक हम विवेक नहीं करेंगे ये दुख की निवृत्ति नहीं होगी। अब देखो तो शरीरम किम अनुसम ज्वरेत, ये शरीर को क्यों असंतप्त करेगा, माने कि ये जो अज्ञानी जीव है वो शरीर को संतप्त करते रहते, स्थूल देह को भी संतप्त करते हैं, सूक्ष्म देह को भी वो संतप्त करते रहते हैं। अब देखो लेकिन अद्वैत आनंद में हम देख के जो गए हैं, तो ये श्रुति का जो तात्पर्य है वो क्या है, जिसने ये जान लिया कस्य कामाय, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसम ज्वरेत, किसकी इच्छा से और किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे, तो वो उनका तात्पर्य कहां पर है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, दसवें श्लोक में, अद्वैतानंद मार्गेण, अद्वैतानंद मार्गेण परात्मनि विवेचिते, परात्मनि विवेचिते अपश्यन् वास्तवं भोग्यम्, अवश्यन् वास्तवं भोग्यम् किं नामेच्छेत् परात्मवित्, किं नामेच्छेत् परात्मवित्। अद्वैतानंद में हम देख के गए कि ये नाम रूपात्मक जगत जो है, अद्वैतानंद मार्गेण परात्मनि विवेचिते, हमने वो विवेक किया, सत्य और मिथ्या का हमने विवेक किया, और सत्य और मिथ्या का विवेक करके माया कार्य जो ये नाम रूपात्मक जो जगत है विवेचिते, उससे भिन्न कर दिया, परात्मनि विवेचिते। अब देखो परात्मा जो है, जो ब्रह्म है,
वो निर्गुण निराकार ब्रह्म से नाम रूपात्मक जगत को विवेचित जब हमने भिन्न कर दिया तो विवेक के कारण अपश्यन वास्तवम भोग्यम। अब देख तो वास्तविक भोग है ही नहीं, आप समझो जब वास्तविक भोग है ही नहीं किम नाम इच्छेत परात्मवित, तो फिर जो परात्मवित माने जो ब्रह्म ज्ञानी है वो किस भोग्य की इच्छा करेंगे जब है ही नहीं। आप देख आप समझ रहे हो कस्य किम इच्छन कहा ना, तो किमिच्छन माने कि अगर जगत है तो उससे हमें सुख की अपेक्षा रहेगी लेकिन है ही नहीं। अब देखो अद्वैत आनंद में हम देख के गए कि नाम रूपात्मक जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब नाम रूपात्मक जगत का अस्तित्व माने कि नाम रूपात्मक जगत माने भोग्य पदार्थ है ही नहीं। अब देखो जब उनका कोई वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, उनका मिथ्यात्व की जब सिद्धि हो जाती है तो फिर ब्रह्म ज्ञानी जो है वो किस भोग की इच्छा करेंगे, किम इच्छन आप देखो किस भोग्य पदार्थ की वो इच्छा करेंगे क्योंकि है ही नहीं। अगर है तो फिर इच्छा की संभावना रहेगी लेकिन है ही नहीं तो फिर किसकी इच्छा करेंगे। और दोनों में जब हम विवेक करके देखते हैं तो ब्रह्म सत्य है या जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या माने है ही नहीं तो उनकी इच्छा की संभावना नहीं रहेगी। माने कि भोग किसी भी भोग्य के लिए अपने शरीर को संतप्त करने की उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। उतना ही नहीं कस्य कामाय, किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे, तो बोले कि वहां पर भी हमें विवेक करना है। पहला विवेक जो हम कर रहे हैं द्वैतानंद में जो हमने दर्शाया है उसी प्रकार से ये सच्चिदानंद ब्रह्म और ये जगत जो नाम रूपात्मक जगत है उनका जब हम विवेक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जगत है ही नहीं। उसी प्रकार से शरीर त्रय का हमें विवेक करना है तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं आत्मानंदो आत्मानंदोक्त रीत्यस्मिन् आत्मानंदोक्त रीत्यस्मिन् जीवात्मन्यवधारिते जीवात्मन्यवधारिते भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः शरीरे तु ज्वरः कुतः। देखो बहुत सुंदर है, अद्वैतानंद की दृष्टि से देखते हैं तो भोग्य पदार्थ है ही नहीं और इसलिए उनकी इच्छा भी नहीं होगी और उनके लिए संतप्त होने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आत्मानंद प्रकरण में हम देख के गए कि एक आत्मा ही सत्य है। आत्मानंद उक्त है आप देखो अस्मिन् जीवात्मनि अवधारिते, जीवात्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो अपने आत्मानंद में जिसकी स्थिति हो गई है नैव अस्ति भोक्ता, तो भोक्ता है ही नहीं। शरीरे तु ज्वरः कुतः अप्यत्र, अब भोग्य है ही नहीं इसलिए इच्छा की अपेक्षा नहीं है जब भोक्ता ही नहीं है। अब भोक्ता चैतन्य स्वरूप आत्मा है लेकिन चैतन्य स्वरूप आत्मा भोक्ता नहीं है, हम देख के जाइए सब। तो जब भोक्ता है ही नहीं कस्य कामाय, किसके लिए किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे, भोग्य भी नहीं है भोक्ता भी नहीं है। आप समझो जब तक आप भोग्य को सत्य मानते रहेंगे जब तक आप भोक्ता को सत्य मानते रहेंगे तब तक ये तीन शरीर को संतप्त करते रहेंगे। लेकिन भोग्य नहीं है, भोग्य मिथ्या है ही नहीं और भोक्ता भी नहीं। आप देखो न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, आप देखो कर्तृत्व भी नहीं है भोक्तृत्व भी नहीं है। आप देखो जब भोक्तृत्व है ही नहीं तो किस भोक्ता के लिए अपने शरीर को वो संतप्त करेगा। हम देखो
जो भोगता ही नहीं है तो किस प्रकार का संताप होगा उनके मन में, भोग्य नहीं है तो किसकी इच्छा वो करेगा, आप समझ रहे हो, बहुत सुंदर है। और इसलिए कहते हैं अद्वैतानंद प्रकरण में हमने देखा कि ये जगत मिथ्या है, और आत्मानंद प्रकरण में हमने देखा कि ये भोक्तृत्व भी मिथ्या है, और दोनों जब मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं तो किसकी इच्छा वो करेगा, या तो किसकी इच्छा से और किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेगा, है ही नहीं हम देखो। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई शरीर में संतप्त करने की अपेक्षा है ही नहीं। जब तक हम ये जगत को सत्य मानते हैं तब भोग्य बुद्धि होती है, जब तक ये भोक्ता को हम सत्य मानते हैं तब तक ये भोक्ता के लिए हम भोग्य की प्राप्ति के लिए श्रम करेंगे। लेकिन जब भोग्य भी मिथ्या है, भोक्ता भी मिथ्या है, तो अपने शरीर को किसके लिए, शरीर अनुसंज्वरित, अपने शरीर को वो संतप्त करेंगे, माने कि उनको अपने शरीर को संतप्त करने की अपेक्षा है ही नहीं। हम ब्रह्म ज्ञानी के लिए अपने शरीर को संतप्त करने की कोई अपेक्षा है ही नहीं, उनको आवश्यकता है ही नहीं। और इसीलिए ये 11 श्लोक में आप समझो, जब तक ये भोग्य सत्य है और भोक्ता सत्य है तब ये सब प्रकार का संताप होता रहेगा। एक बार उन विवेक करेंगे, आत्मानंद, अद्वैतानंद और आत्मानंद दो प्रकार के विवेक के द्वारा, अब जब दोनों मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं फिर किसी प्रकार से भी ये शरीर को हमें संतप्त करने की अपेक्षा है ही नहीं। आप समझो, अब आगे हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से आत्मानंद में हमें कहा है, वो हमें आगे के श्लोक में दर्शाएंगे, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महेशाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वीसस्य शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम